सबसे बड़े जो जो ओमेगा था वो मैंने परचेज कर लिया था साथ, लेकिन बहुत बड़ा है जी, जी, एक्सट्रीम लेवल का जी। मैं तो ये कहूंगा कि अभी वीक लग रही है आपकी रिजल्ट से बात है, फीडिंग करवा रही है बच्चों को, और ये एक्सपायर हो गया था, चार पपीज है हमारे पास इसके। वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। भाई आज आप लोगों को पिटबुल्स के अंदर वो म्यूटेशन, वो वैरायटी दिखाने लगा हूं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने लाइव पहले कभी देखी होगी। बहुत से शौकीन भाई ऐसे होंगे जिन्होंने देखी होगी, लेकिन जो भट्ट साहब हैं हमारे, भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब मैं आपके जब डॉग्स देखे हैं ना, सीरियसली मैंने बड़े बड़े देखे हैं, बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं देखे, जेन्युइन बात है। अच्छा मुझे बताएं कि शौक कैसे पड़ा हुआ और क्या सीन है इसका? सर ये शौक तो मुझे समझ लें टीनेज में ही पड़ गया था, ठीक है, तो बचपन से इसका शौक था, लेकिन तब घर वाले इतने नहीं सपोर्टिव नहीं थे, घर नहीं रखने देते थे। हर ये तो कहानी घर घर की, हर शौकीन की शुरू शुरू में मेरे साथ भी यही स्टार्टिंग में हर जगह भी यही मामला था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो घर में जा एक से ली, पहले एक से दो हो गए, तीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया, और यही शौक अपना पैशन है, ये जुनून की हद तक अपना शौक है जी। कितने डॉग्स हैं आपके पास? जी वैसे तो मेरे पास तकरीबन 25 से 30 हैं, लेकिन मेरे इस टाइम छत पे तकरीबन 12-13 होंगे। ये आपने क्वालिटी ली किधर से? जो चीजें आपके पास है आमतौर पे देखने में नहीं मिलती, कहाँ से ली है आपने? देखिए दरअसल ये मेरे पास एक मेल था ओमेगा, ओमेगा जी, वो बेसिकली हमारे एक बड़े प्यारे भाई है जनान सलीम, उन्होंने इम्पोर्ट करवाए थे, ठीक है, उसके बाद वो तो शो खत्म कर चुके हैं। अच्छा, इंसिडेंट्स में उनके जानवर जो है वो एक्सपायर हो गए थे, ओहो, उनका फिर उनसे बड़े जो ओमेगा था वो मैंने परचेज कर लिया था, साथ दो फीमेल, दो मेल खरीदे थे, काफी डॉग्स मैंने उनसे लिए थे। ये सारा ओमेगा की ब्लड लाइन है, पूरे पाकिस्तान में आप जहां भी देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारे कुत्तों की ब्लड लाइन आगे होगी। जितने भी आजकल ये लोग बेच रहे हैं कुत्ते, जितने भी डॉग, जितने भी ये पिटबुल्स नजर आ रहे हैं, जितने भी बुली पिट आपको नजर आएंगे ना पाकिस्तान में जी, उसके पीछे अल्लाह के हुक्म से आपके भाई का नाम ही होगा। अच्छा ये बड़ी डिफरेंट चीज है, ये भी पिटबुल में ही है? जी अमेरिकन बुली है जी, अमेरिकन बिलू बुली, अमेरिकन बुली, ये ओमेगा की डायरेक्ट बची है, ओमेगा की बची है ये, ओमेगा की ये आखिरी निशानी हमारे पास ओमेगा की, ये फीमेल रह गई है, ठीक है, तो बाकी मेल हमारे पास एक परा ड्रैगन, ड्रैगन जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में उसको वो मेल के ऊपर भी हम वीडियो करेंगे, बहुत बड़ा है एक्सट्रीम लेवल का जी। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान में वो शौकीन ही नहीं होगा अगर उसको जानता ना होगा कोई, अगर उस कुत्ते को, अगर उस कुत्ते का नाम नहीं जानता समझ लेके वो शौकीन ही नहीं है, उसको पता ही कुछ नहीं है। हाँ मुझे ये बताएं आपको डर नहीं लगता इनसे डॉग से? मतलब वो जो भी बोल उसने पकड़ लिया था फीमेल ने, तो मैं डर गया था। नहीं जी डर तो सिर्फ इंसानों से लगता है, दोस्तों से, खासतौर पर ऐसे लोगों से जो दोस्तों की शक्ल में आते हैं और एक अच्छा सबक दे के चले जाते हैं, उन्हीं से डर लगता है, ये इनसे क्या डरना, ये तो प्यार। अच्छा पिटबुल को देखा जाए तो बहुत ज्यादा बदनाम है हर, मतलब लोग कहते हैं कि बड़ी खतरनाक ब्रीड है, डेंजर ब्रीड है, इसके पास नहीं जाना। मैं आया हूँ अपने, मेरे सामने छोड़ दिए हैं, पहले तो मैं भी डर गया था जी। तो क्या वजह है ये इतना ज्यादा बदनाम क्यों? मतलब मुझे तो अभी किसी आपका, मेरे ख्याल 15 कुत्ते हैं यहाँ पे जिसमें कोई भी मुझे अग्रेसिव नहीं लगा, सबके सब लवली हैं। देखें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रीड कोई भी है, जो कोई भी ब्रीड हो, देखें टेम्परामेंट आपने उसका खुद बनाना होता है, जो अगर आप किसी भी कुत्ते को, अगर आप किसी भी कुत्ते को एक घर के कॉर्नर में छोड़ देंगे या उसको सोशल नहीं करेंगे लोगों के साथ, तो वो उसको अग्रेसिव हो जाएगा, और अगर आप बचपन से उसको सोशल करेंगे, अब ये डॉग शोज में जाते हैं लोगों के साथ अटैच होते हैं, तो ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है ह्यूमन। और पिटबुल, पिटबुल में बहुत सी टाइप्स हैं, पिटबुल एक है गेम ब्रीड, गेम फाइटिंग के लिए यूज होता है, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद पिटबुल आ जाता है शो क्लास, उसके बाद शो क्लास के अंदर सारे एम्स्टेप, अमेरिकन बुलीज हैं, सब लोग उसको मिक्स करते हैं, उसको हेड ब्रॉड करने के लिए, चेस्ट ब्रॉड करने के लिए अपने शौक के हिसाब से। बुली पिट हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, ये सारे तकरीबन बुली पिट्स हैं हमारे पास, जितने भी अमेरिकन बुलीज हैं और बुली पिट्स हैं, ठीक है। अच्छा ये जो हमें नजर आ रहे हैं इस टाइम बच्चे स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं जी जी, ये बच्चों का बाप कौन सा है? ये बाप ये खड़ा है, ये ब्लैक बुल, अमेरिकन बुली, इसका नाम क्या रखा हुआ आपने? ब्लैक बुल, ब्लैक बुल। व्हाट्सएप कितने बच्चे हैं टोटल आए हैं? टोटल लीटर में कितने बच्चे आए थे आपके पास? इसके लीटर जो है वो तक 5 बच्चे ही आए थे, तो एक एक्सपायर हो गया था, 4 पपीज है हमारे पास इसके जी। जी हसन भाई बाप की क्वालिटी जो आपके सामने आप देखते देखते स्क्रीन पे इसकी माँ भी आपको नजर आ रही होगी, माँ के बारे में कुछ बातें करते हैं। माँ की आप इस टाइम देखें, ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड किया, अभी अभी थोड़ी वीक लग रही है आपकी रिजल्ट से बात है, फीडिंग करवा रही है बच्चों को, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन में से है हमारे पास जो डॉग है ड्रैगन, ड्रैगन और डिक्सी की हमारी होम ब्रीड है, और आप इसके भी देख सकते हैं इसके अभी कट्स वगैरह, शोल्डर्स वगैरह, चेस्ट ब्रॉड है इसकी, ये जो बॉडी के ऊपर कट्स नजर आ रहे हैं इसके, ये एक्सरसाइज करवाइए कि नेचुरल इनकी भी करते हैं, लेकिन ये नेचुरल भी होता है इसमें, ये नेचुरल है इनके अंदर, अभी वैसे भी वो लीन है क्योंकि पपीज वगैरह उसने दिए हुए हैं,
पपीज दूध पी रहे हैं बस। तो ये तो अभी आती हो गई है ना पपीज देने के बाद, डिटेल भी तो 50% भी नहीं है अब तो। ये पपीज के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है? हमारे पास एक मेल है और तीन फीमेल है। एक मेल है और तीन फीमेल है पपीज के अंदर। कितने डेज के हो चुके हैं ये पपीज? अभी जो है वो पपीज की भी क्वालिटी देख सकते हैं अभी, बिल्कुल स्टॉपी जो आजकल लोग मानते हैं। आजकल हर बंदा कहता है कि मेरे पास जो है वो बड़े हेड वाले पपीज हो, स्टॉपी मजल हो, मजल बहुत लंबे ना हो, वीक ना हो। और आप अभी बच्चों में देख सकते हैं बड़े स्टॉपी मजल हो, बड़े स्ट्रॉन्ग मजल है इनके। यार ये तो अपना सीने के ऊपर सिक्स पैक्स बने हुए हैं इसके। हाँ जी हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है क्वालिटी, जैसे पेरेंट्स होंगे ब्लड जो बड़ा मैटर करता है इनमें, तो वो पपी इंच माशाल्लाह बहुत खूबसूरत क्वालिटीज के हैं, बहुत अच्छे कलर। ये ब्लैक बुल की एज क्या होगी इस टाइम? ये अभी तो तकरीबन हार्टी जो होगा 18 माह का होगा, बिकॉज ये यंगस्टर है हमारा। तो आम बंदा जो है, कोई आम बंदा अफोर्ड जो कर लेता है, डॉग ले लेता है, वो इसका खर्चा अफोर्ड कर सकता है कि ये या बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है? जी बिल्कुल खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग। देखें ये डिपेंड करता है आप पे, रखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या उसको देखे। अगर आप जितना अच्छा खिलाएंगे डॉग को उतना अच्छा भी बनेगा। आप जितने से अच्छा डॉग भी ले लें, अगर आप उसकी उसको खाना पीना अच्छा नहीं देंगे तो वो कैसे बनेगा? अच्छा कई लोग कहते हैं कि यार हम लोगों ने एक डॉग रखा हुआ है तो हमारा डेयरी का जो है ये डॉग फूड वगैरह डाल के, दही डाल के, ये डाल के, वो डाल के 2500-3000 खर्च। अब आपके पास मैंने देखा इतने सारे डॉग हैं, 12-15 तो बच्चे ही हैं कम से कम आपके पास, तो आपका तो फिर 2-2.5 लाख रुपए डॉग का खर्च हो जाता होगा। देखिए बस कैसे मेंटेन करते हैं इसको आप? इस तरह इतना खर्चा नहीं है, ये खाली एक बातें हैं कि इतने तरह खर्चा हो जाता है। 2500 रुपया 3000 रुपया हार्डली आपका डॉग जो है वो मेरे ख्याल से 300 रुपया मैं बहुत बड़ी पैसे बता, बहुत अच्छी फूड डाइट में। हाँ जी बहुत ज्यादा, तो 300 से कम ही मुझे तो कॉस्ट करूंगा। हमारे पास कुत्ते ज्यादा, मेरे पास जो है वो तकरीबन 10 से 12 के जी कीमा पकता रोज, साथ में 2-3 किलो उसमें चावल ऐड होते हैं, 2 किलो बीच में हम उसको सर्दियों में जो है वो दलिया डाल देते हैं, फिर वो एग्स वगैरह वो ज्यादा देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये फूड हमें ये इतना डालते हैं, तो ये 10 से 12 कुत्ते इजीली खाते हैं। तो आपके कैनल का नाम क्या है? हमारे कैनल का नाम है ग्रेट कैनाइन कैनल। ग्रेट कैनाइन। अच्छा विजिट करना हो तो कहाँ पे, मतलब ये आपका पेज वगैरह देखना हो तो क्या तरीका है उसका, कैसे विजिट करेंगे पेज? क्या सर्च करेंगे वहाँ पे हम? आप ग्रेट कैनाइन कैनल लिखेंगे हमारा पेज आ जाएगा आगे। और मतलब वो होता है ना, लोगों ने कॉपी भी की होती है आगे, कुछ और लगाया हुआ आप लोगों ने डॉग लवर पेट लवर इस तरह का कुछ? नहीं हमारे कुछ नहीं लगाया हुआ, ग्रेट कैनाइन का कोई भी नहीं, एक ही पेज है हमारा। अच्छा एक ही पेज है फेमस जी, और ये कैनल रजिस्टर्ड है हमारा ग्रेट कैनाइन नाम, ग्रेट कैनाइन के नाम से केसीबी रजिस्टर्ड है ये हमारा कैनल। शिवादा लग रहा है, चेक कर रहे हैं कैसे मासूम बच्चों की तरह बैठ के देख रहा है कितना डेंजर है और कैसे देख रहा है। अच्छा जो फीमेल है आपके पास ये कितने परसेंट लोगों के पास होगी इस टाइम लाहौर में या पंजाब में? देखिए अमेरिकन बुली की अगर बात करते हैं तो ये फीमेल की बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 फीमेल से ज्यादा होंगे, और जो भी होंगे वो मेरे से कई होंगे फीमेल जो है, और फीमेल कोई भी नहीं है अमेरिका, और अमेरिकन बुली नहीं। हाँ बुली पिट को लोग लेके मेरे से, तो वो अमेरिकन बुली कह के बेच रहे हैं या कह रहे हैं, तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। बुली पिट का क्रॉस भी करवाते हैं ये? हाँ जी अमेरिकन, देखिए दरअसल सीन ये है कि जो अमेरिकन बुली ब्रीड है ना, सी सेक्शन की वजह से जो है ना नॉर्मली बहुत सी जो मोस्टली फीमेल जो है ना वो स्पे हो चुकी है, उनकी यूट्रस वगैरह निकल चुकी है, जो ब्रीड के काबिल नहीं है। अब ये पाकिस्तान में मेरे हिसाब से, तो पाकिस्तान में शायद कोई एक आधी हो जो मेरी नजर से, जो लोग मेरा नहीं ख्याल के होगी ऐसी फीमेल, लेकिन ये वाहिद फीमेल एक ही रह गई है, समझ ले कि ये हमारी होप है कि इससे बुली ब्रीड जो है वो आगे बढ़ेगी, और अब भर गई तो ठीक है, नहीं तो क्या वजह यहाँ पे क्यों नहीं कामयाब हो पाती? देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ डॉक्टर्स वगैरह से भी हो गई कुताहियां, कुछ ब्रीडर से भी कुताहियां हो गई, क्योंकि ये ब्रीड इतनी यहाँ पे रेयर ब्रीड है, यहाँ पे इतनी लोगों को पता नहीं इसके बारे में, इतना पता नहीं था, जिसकी वजह से ना ये मिसहैप हो गया, तो अब ये ब्रीड समझ लें कि एंड पे ही आ गई है पाकिस्तान में जो है ना ये ब्रीड नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जो इम्पोर्ट हुए थे वो या तो एक्सपायर हो गए हैं या बेकार फंडर पड़े हुए हैं, फंडर हो गए, एक्सपायर हो गए। तो मेल कितने होंगे पाकिस्तान में? इसके मेल होंगे पाकिस्तान में को 5-7 मेल होंगे, 5-7 मेल होंगे अभी। अच्छा जिनमें से 3 तो हमारे घर में खड़े हैं, हाँ तो 3 हमारे पास पड़े हैं, कोई एक दो होंगे और बाकी ज्यादातर मोस्टली जितने लोग कुछ आप देखेंगे जो बुली कह रहे हैं अमेरिकन बुली, जो कि अमेरिकन बुली नहीं है, उसकी आप लाइन पीछे देखें तो वो ड्रैगन हमारा, ये बहुत डिफरेंट है फीमेल, बहुत ज्यादा डिफरेंट है बिल्कुल। इसकी एक तो हाइट मेरा ख्याल है 1 फुट से ज्यादा नहीं है। देखें व्यूअर्स ये देख रहे हैं फीमेल, ये फीमेल देख के आपको इसके कॉम्पैक्ट साइज से पता चल जाएगा, इसकी बोन देखें, चेस्ट देखें कि ये अमेरिकन बुली से ज्यादा ब्रीड है, जिसको बुली पिट, जो लोग बुली पिट को बुली कह के बेचते हैं उनकी मदर आप देखें, इस तरह की मदर कभी भी नहीं होगी। अगर आप बाइस से भी ये नहीं कहते कहीं से भी आप खरीदो, आप फ्रॉड से बचें, जो आपको बुली कह के बेच रहे हैं वो बुली पिट बेच रहे हैं, बुली नहीं बेच सकते वो। ओके यार उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और क्या देखना है तो लाजमी नीचे कमेंट्स करके बताना। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
हेल्प।